नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। भाई दूज होली के दो दिन बाद मनाया जाता है और ये त्यौहार हिंदू महीने के फाल्गुन मास के आखिरी दिन पर पड़ता है। रक्षाबंधन की तरह ही ये त्यौहार भी भाई बहन के बीच के बंधन और स्नेह का प्रतीक है। होली भाई दूज चैत्र माह की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है और आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद श्री, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 01207153787, 01207153826 ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम में आचार्य जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपके मन में, तो आज का जो हमारा विषय है वो है भाई दूज को लेकर, जो होली के दो दिन बाद मनाया जाता है। आचार्य जी, क्या खास होता है ये भाई दूज, क्योंकि ऐसा ही भाई दूज हम दिवाली पर भी मनाते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? और भाई बहन के इस त्योहार को, जैसे कि रक्षाबंधन भी हम मनाते हैं, लेकिन इसका क्या खास महत्व होता है होली के बाद जो दिन पड़ता है? देखिए चंद्रश्री जी, ये द्वितीया यानी होली की दूज बहने अपने भाई के लिए खास पूजा करती हैं, उनके माथे अलग अलग मिठाई खिलाती हैं, घर में पकवान बना के घर बुलाती हैं, भाई अपने बहनों को उपहार के रूप में भेंट करते हैं और बहने उनकी रक्षा का वादा, बहनों से रक्षा का वादा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाइयों पर अपनी बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती है और बहनों भाइयों को आने की शक्ति होती है। ये त्योहार समृद्धि और सुखी जीवन के लिए देवताओं का आशीर्वाद लेने के समय के रूप में मनाया जाता है। और जैसा आपने बताया कि ये होली की भाई दूज ठीक रक्षाबंधन की तरह हो, ये भाई के बंधन और स्नेह का प्रतीक होता है। इसके अलावा नाम से पता चलता है कि होली की भाई दूज चैत्र माह की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। होली के बाद मनाया जाना वाला पर्व है, हालांकि ये भाई दूज कल रहेगा 27 तारीख को, क्योंकि आज 2:57 से द्वितीया शुरू होगी, तब तक उदया तिथि कल नहीं जाएगी। और बहन अपने भाइयों के लिए एक विशेष व्रत अनुष्ठान जैसा रखती है और उनकी उम्र और खुशहाली जीवन के लिए प्रार्थना करती है। पुराणों के अनुसार तो होली भाई दूज भगवान यम और उनकी बहन यमुना के समान में मनाया जाता था। भाई दूज का पर्व सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार ही नहीं, बल्कि भाई बहनों के बीच रिश्ते और उनके द्वारा एक समझ को मजबूत बनाता है, अपनी प्रतिबद्धता को करता है। तो बहन का जो पर्व है इस महत्व है और ये पर्व कल मनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये स्नेह को सजाने के लिए एक दूसरे भाई बहन के सम्मान के लिए भी होता है, पुराने मतभेद को माफ करने और भूलने का नया सिरा प्यार और स्नेह के बीच हमेशा स्थिर रहे या खराब हो गया तो शुरुआत ये होली की द्वितीय से होता है। जी बिल्कुल। और आचार्य जी ने आपको बताया कि क्या कुछ अंतर है इस भाई दूज में, क्योंकि होली के दो दिन बाद इसे मनाया जाता है और हमेशा की तरह जिस तरीके से आप रक्षाबंधन मनाते हैं, ऐसे ही भाई दूज होली के बाद जो मनाया जाता है वो भी ऐसे ही मनाया जाता है, इसका खास महत्व भी होता है। इसी के साथ कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। आचार्य जी, पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। स्वागत है। हेलो जी, हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे बहन जी। गुरु जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछ रहा हूँ। गुरु जी, मेरी बहन का नाम अंजू वाला, उसकी जन्म डेट का नहीं पता और उसके घर वाले का नाम है सुशविंदर। तो गुरु जी, 20-15 साल है उसकी शादी में। गुरु जी, उसके घर में कोई संतान नहीं है और गुरु जी वो दारू पीता, लड़ाई झगड़ा बहुत करता। क्या इनके घर में कोई दोष है गुरु जी?
इसके बारे में बता दो। देखिए बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आप देखिए चंद्र जी, यहाँ लोगों का अटूट कैसा विश्वास है कि केवल नाम बताया और भाग्य फल जानने की बात आ गई, और ये भगवान की कृपा है कि संपूर्ण भारत के सभी चैनलों पर यहाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखते हैं तो जाकर के कहीं बात बनती है। लेकिन हमारा जीन्यू राजस्थानी चैनल जहाँ सुबह 7:25 से 7:50 पर भागफल कार्यक्रम जो है, इसमें बिना डेट के, बिना तारीख के, बिना समय के आपके भाग्य फल को 99.9% सटीक बोलने का हम वादा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि प्रभु की कृपा से ये कैलकुलेशंस प्रश्न कुंडली से निकालते हैं और वो 100% सही होती है, पर मैंने तो 99.9 बोला है। की बहन का जो पति है वो शराब पी और उनको संतान नहीं, कारण है कि पति के परिवार से कोई अकाल मृत्यु में दो भाई मरे हैं, बचपन में मरे हैं, और वो पितृ के रूप में होते हैं, और पितृ दोष के कारण इनका वंश का विस्तार नहीं हो पा रहा है। कृपा करके यदि आप कर सकते हैं तो इनसे हरिवंश पुराण के पाठ करने के लिए या संतान को मंत्र बोले, और ये के साथ ये सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि से नवति हो लें, और स्टील का चांदी का उसमें दूध बूरा और गंगा जल डाल करके भगवान शिव का नियमित रूप से अभिषेक करें, इनको पुत्र रत्न जरूर प्राप्त होगा। और साथ में ये शराब पीना बंद करें क्योंकि ये इनको बहुत नुकसान देता है, और नहीं छोड़ पा रहे तो छुड़ाने के लिए मैं छोटा सा उपाय देता हूँ। कांच की बाउल में पानी भर के फिटकड़ी के टुकड़े डालें, पिंक फिटकड़ी के, पिंक कलर की फिटकड़ी जो आती, और सुबह उसको रोड पे फेंक, और नियमित रूप से 1 दिन करें, इनको पीने से नफरत होने लगेगी और एकदम बिल्कुल पवित्रता से अपने जीवन को जीने लगेंगे। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए जी। इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा नाम सुनील लता है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, और आपको पहले भी पूछा था वेरू जी के वो पेड़े चढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने पेड़े भी चढ़ा दिए, और मेरी पेट की वो बेटी मेरी दुश्मन बन रही है, दुश्मनों के साथ मिलके अब आगे का उपाय बताए पड़ने जी। हाँ, ये पेड़े चढ़ाने से फायदा हुआ या नहीं? देखिए बहन जी, आपका स्नेहलता जी, कोई बात नहीं, फोन वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी शत्रु बन रही है ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप एक बार पेड़े मत चढ़ाइए, आप पेड़े कंटिन्यू चढ़ाते रहिए, और आप ये कहें कि मेरी बेटी का नुकसान ना हो, उसको सही मार, यदि मैं गलत हूं तो मेरे साथ वो ऐसा करे, और यदि मैं सही तो मेरे साथ वो सही व्यवहार करे, ऐसे तो फिर निर्णायक निर्णय की स्थिति में आता है और निर्णय सही हो पाता है। कहीं हमारा स्वार्थवश गलती हमसे हो रही हो, स्वार्थवश गलती सामने वाले से हो रही हो, तो फिर जो है उपाय कम काम करता है। जहां वास्तविकता है वहां उपाय जरूर काम करेगा। तो आप ऐसा निवेदन करिए बहनू जी से, रविवार के दिन, शनिवार के दिन, और सरसों का तेल में 5 लौंग डालकर का दीपक जलाए बहनू जी को, बोलता मिलेगी, बहुत मंगल शुक्र जी। अगले कॉलर का भी रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय श्री राम पंडित जी। जय राम, जय जय राम पंडित जी। जन्म में 7/1/2000, नाम है अभिषेक जैन, समय है सुबह 10:15। भविष्य कैसा रहेगा और आगे का क्या, कैसे जॉब वगैरह का कैसे रहेगा, शादी वगैरह? चलिए सैल्यूट करते हैं, आपने बड़ा जोरदार काम किया कि एक ही बार में सारे प्रश्न पूरी लाइफ के पूर्व डाले, वाह। वैसे हमारा प्रयास है कि बहुत ज्यादा बताएं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव के कारण
आपकी बात का जवाब दे पाते हैं। यहाँ आपका भविष्य तो ठीक है, लेकिन आप कृपा करके नियम से आप अपने नमोकार मंत्र या भक्तामृत स्त्रोत का पाठ करें, चाहे अपने आराध्य और अपने इष्ट का ध्यान करके उनका पूजा करते हैं, तो निश्चित मनोनुकूल फल प्राप्त होता है। आप जैन साहब भक्तांबर स्त्रोत के पाठ कीजिएगा, आपको अवश्य सब ठीक होगा। शादी ब्याह की तारीख मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अगले उसमें देंगे, और आप ये कीजिएगा, जब ये शुरू कर देंगे तो फिर हम जरूर आपको डेट बता देंगे, उनका नाम भी बता देंगे, इस लड़की का नाम से शादी होगी, बड़ी मंगल। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी का आदर प्रणाम, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। पंडित जी, आज मेरे सवाल बेटे के बारे में। बेटे का नाम है सिद्धार्थ, डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2013, 3:01 दोपहर का, जन्म स्थान है नाभा पंजाब। तो बेटे की पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। दिमाग तो तेज है, बाकी थोड़ा पढ़ने में आना जाने करता है, तो भविष्य और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। जी, आपका स्वागत है, लेकिन आपको बता दें, बेटे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चा है। आप इतनी होती है कि बच्चा थोड़ा सा आपको लगता है कि कम कर पा रहा है, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा कर पा रहा है। आप बिल्कुल टेंशन ना करें, और ये बच्चे को आप नियमित रूप से यदि कर सकते हैं, पुराण चालीसा के पाठ करने के लिए कहें, आप बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, यदि कर सकते हैं तो चांदी के नाग नागनी बुधवार के दिन सिर पर अर्पण करने के लिए कहिए, ताकि काल सब दोष शांत हो और बच्चे की तरक्की उन्नति आपके हाथ लगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ से एक और कॉलर को लेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। 19 नवंबर 2002 शाम के 8:25 अपना नाम ये मैंने बताइए सर, पहले बताइए। मोहित का इसके इसका ये साल इसका कैसा रहेगा, इसका कंपटीशन में नंबर आएगा या नहीं आएगा? चलिए, आपका बहुत स्वागत है, और वैसे आपसे सीखने योग्य बात है कि कोई हमारी भारतीय धर्म संस्कृति को अपनाने से क्या फायदा। सीधा अपना प्रश्न करो, कम से कम एक जय श्री राम प्रश्न करते, नाम बोल के प्रश्न करते तो बड़प्पन झलकता। लेकिन आप हम बिल्कुल अपना प्रति पॉइंट रहेंगे तो फिर परिवार और व्यवहार कैसे है, अपनी अपनी सोच है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि इनका भविष्य भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा रहेगा। आप कृपा करके इनको अपने राहु की स्थिति के कारण काफी व्यस्त और भागदौड़ वाला ये वर्ष रहने वाला है, इसलिए प्रतिदिन यदि कर सकते हैं तो हरा चारा गायों को देना शुरू करें, ताकि राहु सहयोग करे और अच्छे परिणाम प्राप्त हों। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। जी, एक और कॉलर को लेंगे हम। एक अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अजमेर से नरेश कुमार बोल रहा हूँ। आयुष्मान श्री राम जी, मेरा जन्म समय रात को 11:47 तक और 2/11/1975। क्या जानना चाहते हैं आप? कर्ज चढ़ गया है और खुद का घर कब बनेगा? बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, बहुत परेशान हूँ। मैं दो भाई हैं, और आपका ये बात सही है कि मानसिक असंतुलन हो रहा है, भी परिश्रम करने के बाद सब कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर हो रहा है। शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है, और शनि वर्तमान की स्थिति में आपको अष्टम भाव में, जो इस कुंडली का सबसे प्रभावी ग्रह है वो शनि है। शनि तृतीय भाव भाव का है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और भाग्यवश शनि पुष्कर नवांश में बहुत फायदा कर रहा है, लेकिन ये मानसिक और आर्थिक तंगी पैदा करता है। कृपया आप शनिवार के दिन सरसों का तेल
मैं 7 कील बड़ी और 1 कील छोटी यानी 7.5 कील डालकर शनि को अर्पण करना करें, तेल को अर्पण करें। वहीं आपको धैर्य विवेक से गुस्सा किए हुए रोज महा का मंत्र जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इसकी करें 11 माला रोज करना शुरू कर दें, अवश्य आपका कर्जा दूर होगा और आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। अच्छा जी, कॉलर्स से हमारी बात हो गई है और अब वक्त हो गया राशिफल का, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने काम को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति, बैंक और संस्था से लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। आज से लोन को उतार पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए सोच करके ये फैसला करें। वहीं पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, अच्छे मित्र भी बढ़ेंगे, पत्नी पक्ष के लोगों से हर प्रकार से सहयोग आप रात्रि आनंद में बीतने वाला है। और बात करते हैं वृषभ राशि दिन का और भागदौड़ वाला रहने वाला है। आज आप बिजी रहेंगे, आपका निर्णय लेने की क्षमता से आपको आज लाभ हो रहा है। वहीं आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी काम में निवेश करना पड़े तो कर सकते हैं, आगे चलकर आपको लाभ ही होगा। शाम वक्त आज आपको किसी मांगलिक कार्य में शामिल होना पड़ेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। आज आप फिजूली के खर्चे से बचें। यदि आप किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, कष्ट थोड़ा बढ़ सकता है। कार्यों में कोई बाधा यदि आ रही है तो कुछ अकस्मात लाभ होने की आपकी धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है। संतान पक्ष के लोगों से हर्षवर्धक समाचार प्राप्त होगा। आपकी रुचि बजाने में भी आज बढ़ सकती है। और मैं बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आपको परिश्रम का फल अच्छा मिलने वाला है। संतान आपका विश्वास और दिक मजबूत होने वाला है। आपको लाभ जरूर होता दिखाई दे रहा है। आज आपको ननिहाल पक्ष के लोगों से प्रेम एवं विशेष सहयोग मिलने की संभावना दिखाई देती है। वहीं आप शान सौकात के लिए धन खर्च करेंगे, जिससे आपके शत्रु परेशान रह सकते। माता पिता का विशेष ध्यान रखें, आपको आशीर्वाद मिलने के पूर्ण चांस है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले। आप किसी कारण से मानसिक अशांति हो सकती है और मन परेशान होगा। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। पक्ष के लोगों से आपका झगड़ा हो सकता है, मधुर वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा आज आपके संबंध परिवार में और रिश्तेदारों में खराब होने के संकेत मिलते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आप में निर्भीकता का भाव है, साहस पूर्वक रवैये की वजह आपको कठिन कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आपको अपने माता पिता का सहयोग मामले में मिलेगा। व्यय का योग भी हो रहा है। आज लोगों के भले के बारे में आप चिंतन करेंगे, लेकिन लोग आपके मजबूरी या स्वार्थ समझेंगे। व्यापार में धन लाभ होने के पूर्ण संकेत दिखाई देते हैं।
और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के, आपके अधिकार और संपत्ति में वृद्धि हो रही है, ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपको प्रशंसा मिलेगी, आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आज समर्पित रहेंगे, आपको लाभ होगा। आज आपको नए कार्य में करने पड़े तो बहुत शुभ रहे। और अब इसी क्रम में रहे हैं वृश्चिक राशि लोगों के लिए, आज आपका मन अशांत और थोड़ा रहेगा, और वृद्धि के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, आपको लाभ हो रहा है। शाम तक आप अपने धैर्य और प्रतिभा के साथ अपने मित्रों पर विजय पा सकते हैं, यदि कोई मुकदमा लंबित है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आपका भाग्य पर अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के, आज आपके ज्ञान वृद्धि होगी, आपके अंदर दान पुण्य और परोपकार की भावना विकसित होगी, आप धार्मिक रुचि लेंगे और उन्हें पूरा, भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। शनिवार रात आपको कहीं सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की, मिला जुला रहेगा, आपको बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति साथ अनावश्यक खर्चे भी आज करने पड़ेंगे और मजबूरी में करने पड़ेंगे, वहीं ससुराल पक्ष से आज सम्मान प्राप्त होता है। और अब बात हैं कुंभ राशि वाले लोगों की, आज कुंभ राशि के सभी जातकों आर्थिक काम पर आप सीमित एवं आवश्यकता अनुसार ही व्यय करें, आपको अपने परिजनों से लाभ हो रहा है, हर का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, आज आपको धन में वृद्धि होती है और आपके रुके हुए कार्य बहुत समय से लड़ा कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, किसी विवाद का हल निकल जाएगा, कुछ मिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे जान पहचान बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सामाजिक सम्मान मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा, आज रात्रि में प्रियजनों के साथ अच्छा वक्त बीतने वाला है। से आज का हमारा अपना यह है, बिल्कुल आचार्य जी राशिफल पता चल गया है। और ऐसे में अब काफी सारे कॉलर्स भी आज हमारे साथ जुड़े, एक जाने से पहले एक टिप अगर सबको मिल जाती तो अच्छा रहता। आज हम यही कहना चाहेंगे कि बड़ों मान करें, आदर करें और हम के प्रति डेडिकेशन रखें, लेकिन सूर्य उदय से पूर्व उठने का संकल्प आज आपको लेना है। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात, श्री राम जय राम, जय जय राम जी। आचार्य जी इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आप सभी को पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।